नमस्कार, एमपीसीसी 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं शीतल। विधायक हिना कावरे ने किन्नापुर एवं लांजी क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित ग्रामों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए उचित सर्वे करने के निर्देश। बाढ़ पीड़ितों की समस्या से रूबरू होने के लिए लांजी किन्नापुर विधायक सुश्री हिना कावरे जब ग्रामों में पहुंची तो उनसे मिलकर समस्या बताने के लिए लोग आगे आए और अपनी समस्या बताकर जल्द से जल्द मुआवजे की मांग की, जिस पर सुश्री कावरे ने उन्हें आश्वस्त किया कि सर्वे पूरा होते ही उनके लिए जो अधिकाधिक उचित मुआवजा संभव हो देने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान ग्राम टेमनी से प्रारंभ हुए दौरे से निरीक्षण के दौरान लांजी जनपद पंचायत सीईओ रंजीत तारम, मुकेश जोशी, ब्लॉक अध्यक्ष अजय अवसरे, लिखेंद्र उपराड़े, लक्ष्मण कावरे सरपंच टेमनी, रविंद्र धारणे, गेंदलाल पांचे सरपंच भुआ, धनीराम ढोक जनपद सदस्य, श्रीचंद कामड़े सरपंच घोटी, श्रवणलाल उइके खुर्सी टोला सरपंच, दया डहारे, मुकेश दसरिया, राजकुमार टांडेकर, सैयद अरसद एवं सभी हलके के पटवारी आदि प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। सबसे पहले ग्राम पलेरा पहुंचकर लोगों से उनके घरों में जाकर मुलाकात की और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। उसके बाद फसलों के नुकसान पर भरपाई हेतु ग्राम के सरपंच व पीड़ितों से बात कर जल सर्वे कर पूरा करने व भविष्य में ऐसे हालातों से बचाव हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। पलेरा के बाद ग्राम भुआ पहुंचकर पंचायत भवन के सामने ही क्षेत्र के पटवारी मिले तो उनसे चर्चा कर सर्वे में अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने का प्रयास करने व उचित सर्वे पर जोर दिया तथा मकानों की क्षतिग्रस्त हालत को देखकर सर्वाधिक क्षति में लेने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान ग्रामीणों द्वारा भुआ से टेमनी मार्ग पुल तथा सड़कों के निर्माण की मांग भी सामने रख दी गई, जिस पर सुश्री हिना कावरे ने इस पर जल्द ही प्रक्रिया कराने पर सहमति जताई। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा पानी निकासी हेतु भुआ से बोरगांव मार्ग पर पुलिया निर्माण की मांग की गई, जिसके लिए भी सकारात्मक आश्वासन मिला। हिना कावरे द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों के साथ ही धान एवं गन्नों की नष्ट फसलों का भी निरीक्षण किया गया। ग्राम भुआ के बाद विधायक कावरे टेमनी पहुंची, जहां आवास टोला में 100% नष्ट मकानों का सर्वेक्षण किया तथा सरपंच लक्ष्मण कावरे से ऐसे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए मकानों के रहने योग्य होने तक सुरक्षित आवास स्थल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिस पर सरपंच द्वारा बताया गया कि ऐसे सभी लोगों के लिए उचित व्यवस्था करा दी गई है। इस अवसर पर टेमनी के शासकीय शिक्षक से भी बात की गई, जो मोहल्ले में जाकर बच्चों को इकट्ठा कर शिक्षा दे रहे हैं। इसके पश्चात कोचेवाही में पहुंचकर ग्राम सरपंच एवं पीड़ित ग्रामीणों से रूबरू हुई और सरपंच को पटवारी के साथ मिलकर ग्रामीणों के अधिकार का मुआवजा दिलाने हेतु जल्द प्रयास कर सर्वे पूरा करने पर जोर दिया गया तो लोगों ने उनके सामने कोचेवाही से भीमोड़ी मार्ग के निर्माण की मांग रखी, जिस पर विधायक द्वारा सहमति जताई। तदुपरांत सुश्री कावरे ने कोचवाही में माध्यमिक शाला का भी निरीक्षण किया, ताकि आगामी बारिश आदि के दिनों में विद्यालय परिसर में किसी प्रकार की असुविधा निर्मित ना हो। बाढ़ पीड़ितों के निरीक्षण के साथ ही विधायक द्वारा ग्रामीणों की अन्य समस्याओं को वाकिफ होने का नजरिया उन्हें दूसरों से अलग करता है, जिसकी वानगी तब देखने मिली जब इस दौरान मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम बड़गांव में रुककर लोगों की समस्या सुनी। विधायक कावरे ग्राम पंचायत भवन भी पहुंची, जहां लोगों ने उनसे पटवारी की शिकायत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल लांजी एसडीएम को फोन लगाया गया और ग्रामीणों की शिकायत की। पटवारी काम के नाम पर रुपयों की मांग करती है तो संज्ञान में लेकर जल्द समस्या से निपटान के निर्देश दिए। लांजी मुख्यालय से सर्रा नदी पुल के टूटने के कारण परेशानी से जूझ रहे वनांचल ग्रामों की समस्या जल्द ही सुलझने वाली है और इसके लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है। यह कार्य 3 सितंबर से ही प्रारंभ हुआ और इस अवसर पर सुश्री हिना कावरे मौजूद रही।
साथ ही निर्देश दिए कि बेहतरीन गुणवत्ता के साथ ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की हानि ना हो। हालांकि मौके पर विधायक सुश्री हिना कावरे ने कहा कि जहां तक मैंने बाढ़ पीड़ित ग्रामों का निरीक्षण किया है, किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है। यह जो स्थिति निर्मित हुई है उसका हम सब मिलकर सामना करेंगे। मेरे द्वारा पीड़ितों के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सभी को उनका हक मिल सके और शासन से उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को भारी हानि हुई है, जिसके लिए ऐसे निर्णय भी लिए जाएंगे जिससे भविष्य में लोगों को ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। डोंगरगांव बहला टेकेपार परसोड़ी बापड़ी सिंगोला देवलगांव लाड़सा उमरी सावरी चिखलामाली आदि का दौरा कर बाढ़ हुए नुकसान पर ग्रामीणों से चर्चा कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। लांजी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय अवसरी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों का हालत जानने के लिए दौरे पर निकली सुश्री कावरे का यह दौरा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एक ही दिन में 20 से अधिक ऐसे ग्रामों का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया जो दो तहसील एवं दो जनपद पंचायत क्षेत्र में आते हैं, और ऐसा सिर्फ लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का ही प्रतिसाद है। लांजी से MPCG 24 समाचार के लिए पवन कश्यप की रिपोर्ट। चलते यहाँ पर हुआ है बारिश के पानी से और नदी के किनारे जितने गांव हैं उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान खेती को हुआ है। उसका पूरा सर्वे आज हम लोगों ने देखा भी है और प्रशासन की तरफ से भी सारा सर्वे चल रहा है, लेकिन मैंने खुद ने भी अभी सभी गांव का निरीक्षण किया और अभी हम लोग जिस जगह खड़े हैं वो सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका हमारा और पिछड़ा इलाका जो हम लोग जिसको जंगल पट्टी कहते हैं उस तरफ का जो सबसे मुख्य पुल था उस पुल में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। बिल्कुल आवागमन रुक गया है, काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर, और उसी को देखने हम लोग आए हैं और उसका जल्दी से काम शुरू हो रहा है उसको ठीक करवाने की। पानी की स्थिति निर्मित हुई है, ये इसका बहुत स्थिति तो खराब है ये, लेकिन अब जब जो स्थिति सामने आ गई उससे तो निपटना पड़ेगा और अगर ऐसी स्थिति बनी भी है तो इसको ठीक करवाने की जवाबदारी हमारी है और उसके लिए पूरी प्रयास हम कर भी रहे हैं। उच्च अधिकारियों से भी इस संबंध में मेरी बात हुई है, जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य इन लोगों का करा के ताकि आवागमन की जो दिक्कत है उसको दूर किया जा सके। क्योंकि जो किसान जो धान लगाते हैं गन्ना लगाते हैं नदी के किनारे उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए मैडम? स्पष्ट रूप से पहले ही फ़ोन पर ही निर्देश दे दिए गए हैं। आज तो मैं खुद यहाँ स्थल निरीक्षण करने आई हूँ, सर्वे का काम चल ही रहा है, बाकायदा सारी जानकारी और जितनी सूचना थी और जो भी निर्देश देने थे वो फ़ोन पर अधिकारियों को पहले ही दे चुके हैं। जिला प्रशासन को हमारे यहाँ जो लोकल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी हम लोगों ने फ़ोन पर पहले अवगत करा दिया था। अभी तो मैं खुद आई हूँ देखने कहीं जगह पानी चला गया है, उनकी सुविधा भी हो गई है। मेरे लिए केवल राहत की बात इतनी है कि मेरे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ईश्वर का मैं इसलिए धन्यवाद करती हूँ। ये सारी आपदाएं हैं इससे तो निपटना हम सबको मिलकर है और इसलिए जो भी संभव प्रयास हो सकेगा वो हम करेंगे। क्या काम चल रहा है अभी यहाँ पर? अच्छा, कौन से ग्राम का चल रहा है ये? ग्राम टेमली। अभी तक कितने लोगों का अपन ने नाम लिख चुके हैं? सर अभी 20 लोगों का लगभग नाम आ चुका है, वैसे अभी स्टार्ट ही हुआ है जस्ट सर्वे, और भी नाम आएंगे, लगभग 100-150 किसान होंगे। क्या लग रहा है ऐसा आपने जो देखा तो उसके हिसाब से कितना निरीक्षण के हिसाब से आपके किसने क्या क्षति हुई है, एक ऊपरी तौर पर अंदाजा? क्षति तो बहुत ज़्यादा है, लगभग बोल सकते हैं कि 70-80% आ जाएगा।